एवरीवन, वेलकम टू अवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर विश्वेंद्र सिंह आज आपसे औषधि मात्रा निर्धारण, ड्रग्स डोजेज अकॉर्डिंग टू एज, वेट एंड ड्रग कंटेंट्स को डिस्कस करूंगा। आचार्य सुश्रुत ने सारे स्थान में बताया है, छिरपाई शिशु को एक माह के बाद उंगली के दो पर समित औषध मात्रा देनी चाहिए। छिरन्नादा शिशु में कोल अस्थि प्रमाण में कल्क रूप में औषध मात्रा देनी चाहिए। अन्नादा शिशु में कोल प्रमाण में इसके बाद औषध की मात्रा व्यय बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। आचार्य काश्यप ने जात मात्र शिशु में भेषज मात्रा बताई है। जात मात्र को विडंग फल के समान और भेषज को मधु और घृत के साथ मिलाकर देने के लिए बताया है। इसके बाद प्रत्येक मास शिशु की वृद्धि होने पे भेषज की मात्रा को भी बढ़ाना चाहिए। यह मात्रा आमल के परिमाण से अधिक ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद घृत की मात्रा जात मात्र शिशु में कोलस्थि मात्रा में 5 से 10 दिन तक कोलस्थि मात्रा से कुछ अधिक मात्रा में, 11 से 20 दिन तक कोल अर्ध मात्रा में, एक माह एक कोल प्रमाण में, 2 माह में एक कोल प्रमाण से कुछ अधिक मात्रा में, 3रे माह में 2 कोल प्रमाण में, 4थे माह तक सूखे आंवले की मात्रा के समान, 5वें 6ठे माह में गीले आंवले की मात्रा के समान, 7वें 8वें में इससे कुछ अधिक मात्रा में अर्थात गीले आंवले से कुछ अधिक मात्रा में घृत की मात्रा बच्चे को देनी चाहिए। इसके बाद में आचार्य काश्यप ने खिल स्थान में स्नेह की मात्रा बताई। वात प्रदान क्षीरनादा अवस्था में बालक की जठराग्नि प्राय मिश्रित भोजन को पचाने में सम नहीं होती, इसलिए उसके लिए स्नेह की मात्रा अग्नि के अनुसार होनी चाहिए। अनादा अवस्था में बालक की जठराग्नि अपेक्षाकृत अधिक सम होती है, उसे आंवले के प्रमाण के बराबर घृत का पान कराना चाहिए। जो जो बालक वृद्धि को प्राप्त होता है त्यों तो दूध पीने वाले तथा दूध व अन्न दोनों का सेवन करने वाले में स्नेह की मात्रा अग्नि बल को देख के बढ़ानी चाहिए। आचार्य काश्यप ने खिल स्थान में बताया, 8 माह की अवस्था तक बालक को रोगानुसार स्नेह की चतुर्थांश औषध को घृत के साथ मिलाकर पिलानी चाहिए। 8 माह के बाद बालक को जल में घुली हुई औषधि देनी चाहिए। चिकित्सा में रोगी रोग अथवा बल के प्रमाण के अनुसार एक मुष्टि पल प्रसृत अथवा अंजलि प्रमाण में औषधि देनी चाहिए। यथा अल्पदेहस्य तद अन अल्पम तथा अन्नपानो औषधम अल्पम अल्पम बुद्ध्या विमर्श्यते बेशक दद्यात मात्रा ही देह अग्नि वय प्रधान। जिस प्रकार अल्प देह वाले व्यक्ति में वात पित्त कफ आदि अल्प मात्रा में होते हैं, उसी प्रकार वैद्य को बुद्धि के द्वारा विचार करके उसके लिए अन्नपान और औषधि आदि भी अल्प मात्रा में प्रयुक्त करने चाहिए, क्योंकि मात्रा मुख्य रूप से देह अग्नि तथा व्यय अवस्था के अनुसार होती है। आचार्य काश्यप ने खिल स्थान में बताया है, आतुर के प्रमाण के साथ औषधि मात्रा के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। चूर्ण मात्रा दीपनीय चूर्ण में उंगली के अगले पाव के समान, जीवनीय तथा संस्मनीय चूर्ण में इससे दुगनी मात्रा में, वमन और विरेचन में इससे आधी मात्रा में चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। कषाय मात्रा वात पित्त कफ में 2 प्रसृत मात्रा में शर्करा और मधु के साथ देनी चाहिए। वमन विरेचन में 1 प्रसृत मात्रा में, जीवनीय और संस्मनीय में 2 प्रसृत मात्रा में कषाय का सेवन करना चाहिए। कल्क मात्रा दीपनीय में 1 अक्ष मात्रा में, जीवनीय संस्मनीय में 2 अक्ष मात्रा में, वमन विरेचन में 0.5 अक्ष मात्रा में कल्क का उपयोग करना चाहिए।
इसके बाद योग रत्नाकर ने बाल रोग अध्याय में बताया है, प्रथम मास में एक रत्ती मात्रा चूर्ण, कल्क, आंवले को मधु, क्षीर, शीत और घृत के साथ मिलाकर देना चाहिए। इसके बाद 2 से लेकर 12 माह में प्रति माह एक रत्ती की वृद्धि करनी चाहिए, अतः एक वर्ष पे 12 रत्ती की मात्रा देनी चाहिए। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 1 मासा की वृद्धि करनी चाहिए, 16 वर्ष पे 16 मासा औषध की मात्रा देनी चाहिए। यहाँ पे कषाय की मात्रा को उपयुक्त मात्रा से 4 गुना बताया गया है। ड्रग कंटेंट एकल द्रव्य, 2 द्रव्य, 3 द्रव्य तथा रोगानुसार शास्त्रोक्त द्रव्य लेकर घृत, चूर्ण, कल्कवात, आंवले इत्यादि को चिकित्सा कार्य में प्रयोग करें। ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, त्रिफला, चित्रक, वचा, सतपुष्पा, स्तावरी, दंती, नागबला एवं त्रिवत इनको पृथक पृथक मधु और घृत के साथ लेकर या एक साथ लेकर रोग के अनुसार उपयोग करना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं जिनको आप याद कर सकते हो। संवर्धन घृत, वचादि चूर्ण, कुमार कल्याण रस, ये इनके कंटेंट्स हैं। इनका उपयोग आगे जैसे व्याधि आएंगी उनमें इनका उपयोग मैं आपको बताऊंगा। बाल चतुर्भुज चूर्ण, पिपली आदि चूर्ण, इनके ये कंटेंट है। कल्याण का घृत और ये कुछ मेडिसिन है जो कि पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में काफ़ी यूज की जाती हैं। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डोज बेस्ड ऑन द एज एंड बेस्ड ऑन द वेट। बेस्ड ऑन एज फ्राइड रूल, बिलो 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। यंग फॉर्मूला, एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। बेस्ड ऑन वेट क्लार्क्स रूल, अबोव देन 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड चाइल्ड वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई अडल्ट डोज। इस प्रकार ड्रग्स डोज का कैलकुलेशन किया जाता है। ड्रग्स डोज का कैलकुलेशन mg पर kg के अनुसार भी करते हैं और एज के अनुसार भी करते हैं। जैसे कि अल्बेंडाजोल लेस देन 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड है तो उसको 200 mg की टेबलेट देते हैं 1 डोज, और यदि 2 साल से बड़ा बच्चा है तो उसमें 400 mg, और वेट के अनुसार यदि बात करें तो 40-50 mg पर kg पर डे पैरासीटामोल की डोज है। सेफिक्जिम की 8 mg पर kg पर डे ओरल डोज जो कि 12 से 24 घंटे में डिवाइडेड डोज में हम दे सकते हैं। इसके बाद आचार्य काश्यप ने खिल स्थान में बताया है, यथा विषम यथा शस्त्र यथा अग्निर शनिरे यथा तत् औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृत उपमम। अविज्ञात औषधि, जिस औषधि का नाम, रूप, गुण, सम्यक योग ज्ञात ना हो तो वो औषधि विष, शस्त्र, अग्नि और वज्र के समान प्राणनाशक होती है। यदि औषधि का नाम, रूप, गुण, सम्यक योग हमें पता है तो वो औषधि अमृत के समान होती है, अर्थात वो रोग का शमन करती है। इसके बाद आचार्य कश्यप ने बताया है, औषधम चैपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपदे विषम, विषम च विधिना युक्तम भेषजयो उपकल्पते। ठीक प्रकार से प्रयुक्त न की गई औषधि तीक्ष्ण विष के समान होती है, तथा विधिपूर्वक प्रयुक्त किया हुआ विष भी उत्तम औषधि के समान हो जाता है यदि विष को विधिपूर्वक प्रयुक्त किया जाए। ऐसा ही समान एक्सप्लेनेशन चरक संहिता में भी मिलता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।